पतंजलि में सांस फूलने की दवा कौन सी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फॉर सोशल में। वर्तमान समय में सांस फूलना एक आम समस्या है। यह समस्या ना सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि बच्चों और नौजवानों में भी देखने को मिलती है। इसमें थोड़ा सा भी शारीरिक काम करने के बाद सांस फूलने लगती है, जैसे कि यदि सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो तेज़ी से सांस फूलने लगती है। यह ऐसी स्थिति होती है जब आपके फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग करते हैं, तथा ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे समय में मन में घबराहट भी पैदा होती है। हम नाक और मुंह के माध्यम से सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हैं, वह वायुमार्ग के माध्यम से ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है और रक्त में मिलकर पूरे शरीर को जीवित और ऊर्जावान बनाए रखने का काम करती है। सांस फूलने के कारण किसी भी बीमारी के दवा के बारे में जानने से पहले हमें उस बीमारी या समस्या के कारणों को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी शारीरिक मेहनत के बाद हमारी सांसें फूल जाती हैं तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने शारीरिक काम कभी किया ही नहीं, तथा आलस की वजह से हमारे सामने ऐसी समस्या आ रही है। इसके अलावा वजन ज़्यादा होने पर भी सांस फूलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कोई अत्यधिक धूम्रपान करता है तो उसके कारण भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। काफ़ी बार हमारा अस्थमा या हार्ट से संबंधित किसी समस्या के कारण भी ऐसा हो सकता है। वैसे तो सांस फूलना कोई गंभीर रोग नहीं है, लेकिन यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि यह समस्या के पीछे का कारण क्या है, वरना इसके आगे चलकर गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इसके इलाज के लिए हम योग का सहारा ले सकते हैं, तथा सुबह और शाम को सैर करने से इसमें बहुत फायदा होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि श्वसन तंत्र के सही से काम ना करने की वजह से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए श्वसन तंत्र को ठीक रखने के लिए योग करना चाहिए। पतंजलि में सांस फूलने की क्या दवा है? अगर पतंजलि में सांस फूलने की दवा की बात करें तो इसके लिए आप पतंजलि दिव्या स्वसारी परवाही का प्रयोग शहद के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके प्रयोग से सांस फूलने की समस्या में राहत मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।